वक्त हो गया न्यूज अमृत का। देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार दशहरा। शाम को बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का होगा दहन। आज देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी बधाई। रावण दहन के मौके पर पीएम मोदी लाल किला मैदान में मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे मुहूर्त है, पीएम 5:15 बजे वहां पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के लोगों को दशहरे पर दी बधाई, कहा उम्मीद है सभी के जीवन में प्यार, शांति और भाईचारा और खुशहाली होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पत्नी के साथ शस्त्र पूजा की, पारंपरिक तरीकों से मनाया दशहरे का त्यौहार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी, कहा रावण दहन के साथ अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दशहरे की बधाई दी, सुख और शांति की कामना की। विजयदशमी पर गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखधाम में विधि विधान से दशहरा पूजन किया। मुंबई में शिवसेना की आज दशहरा रैली है, एनडीए में बने रहने को लेकर उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पटना में रावण दहन की भव्य तैयारियां, गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम, 4:30 बजे पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। पंचकुला में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई है, 15 कारीगरों की टीम ने 60 फीट ऊंचा रावण बनाकर तैयार किया है। कानपुर में 150 साल पुराने रावण के मंदिर में पूजा अर्चना हुई, साल में एक बार ही खोले जाते हैं कपाट, रावण दहन से पहले बंद होता है ये मंदिर। राजस्थान के बरा में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई है, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए 51 फीट लंबे पुतले। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का 71वां फीट का पुतला बनाया गया है, दहन के वक्त 1 लाख लोगों के पहुंचने की इसमें उम्मीद है। मंदसौर के खानपुर में रावण की पूजा, शहर को रावण के ससुराल माना जाता है। आज दिल्ली में मूर्ति विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यमुना के तटों पर विसर्जन की खास व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली में कुल 7 घाटों पर मूर्ति विसर्जन किया जाना है, आईटीओ, यमुना बाजार, मयूर विहार मुख्य इलाके हैं। दिल्ली में मंदिर मार्ग और पंचकुया रोड कनॉट प्लेस पर जाम के हालात हो सकते हैं, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी जाम लग सकता है। मूर्ति विसर्जन को देखते हुए कालिंदी कुंज मार्ग को बंद कर दिया गया है, नोएडा से दिल्ली जाने के लिए डीएनडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना दिवस के मौके पर विजयदशमी का उत्सव, भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए, शस्त्रों की पूजा की गई। अमृतसर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में जवानों ने शस्त्र पूजा की, बीएसएफ के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। विजयदशमी के मौके पर भोपाल में पुलिस ने किया शस्त्र पूजन, नेहरू नगर पुलिस लाइन में हुआ कार्यक्रम। कोटा में आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया, शहर भर में 10 जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर में देखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर जुलूस में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमानों की तरफ से शानदार स्वागत किया गया। हरियाणा के पानीपत में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का शक्ति प्रदर्शन, हजारों आरएसएस स्वयंसेवक ने शहर में निकाला जुलूस। छपरा में आरएसएस के स्थापना दिवस पर शस्त्र पूजा और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, हजारों कार्यकर्ताओं ने भगवा पगड़ी के साथ नगर भ्रमण किया। रांची में मूर्ति विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं में उत्साह है, महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी। छपरा में मां दुर्गा की सिंदूर केला के साथ विदाई हो गई है, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया गया। गुरुग्राम में रामलीला के कलाकारों ने दी लोगों को ट्रैफिक नियमों की सीख, रावण के साथ हनुमान भी उतरे। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचालन निकाला, लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी और सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। मोहन भागवत ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया, कहा उन्हें शरण देने से देश की सुरक्षा को खतरा होगा, इनके संबंध आतंकियों से है। मोहन भागवत ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए और केरल सरकार पर भी, दोनों राज्यों में जिहादी ताकतें मजबूत हो रही है, सरकारें इन ताकतों को रोक नहीं रही है। भागवत ने कहा दोनों राज्यों की सरकार का रुख देश विरोधी ताकतों को रोकने में उदासीन रहा है, बांग्लादेश सीमा से भी खुलेआम गौ तस्करी हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कश्मीर समस्या का जल्द समाधान हो सकता है, हालात बदलने के लिए कानून बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। मोहन भागवत ने
ये भी कहा कि सरकार ने कश्मीर में सेना और पुलिस को पूरी छूट दे दी है, देश विरोधी ताकतों की आर्थिक कमर टूट गई है। मोहन भागवत ने कहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डोकलाम मसले पर मोदी सरकार की तारीफ की, कहा विवाद को सही तरीके से सुलझाया गया। मोहन भागवत ने कहा 70 साल के बाद पहली बार दुनिया को लग रहा है भारत कुछ कर रहा है, भारत प्रगति करता है तो दुनिया उससे जुड़ती है। संघ प्रमुख ने कहा सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के मामलों में दखल से पहले दुनिया के देश 10 बार सोचते हैं। देश की आर्थिक हालत पर बोले मोहन भागवत, कहा विकास का मतलब आखिरी व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचाना है, अमीर और अमीर हो जाए ये सही नहीं है। मुंबई हादसे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुख जताया, कहा हादसे में मरने वालों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आरएसएस को पीएम मोदी की बधाई ट्वीट कर स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। म्यांमार में हिंदुओं की सामूहिक कब्र को लेकर जम्मू में प्रदर्शन, आतंकियों को सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में रह रहे 6000 रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द वापस भेजने की मांग की। केंद्र सरकार से म्यांमार में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। सियाचिन बेस कैंप पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेह में एक पुल का उद्घाटन किया। मुंबई में एल्फिनस्टोन रोड पर हुए हादसे के बाद एक्शन में सरकार, रेल मंत्री पीयूष गोयल की मुंबई में बड़े रेल अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक चल रही है। मुंबई पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की, दादर थाने में एल्फिनस्टोन डेथ रिपोर्ट दर्ज हुई है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज हुई है, सीसीटीवी समेत चश्मदीदों की मदद ली जा रही है। मुंबई स्टेशन हादसे पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान आया, कहा जब तक मुंबई लोकल की कमियां ठीक नहीं होती महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। 5 अक्टूबर को एमएनएस चर्च गेट पर प्रदर्शन करेगी, राज ठाकरे ने कहा बाहर से आने वाले लोगों की वजह से भीड़ में रोज इजाफा हो रहा है। राज ठाकरे को बीजेपी नेता किरण सोमैया का जवाब, कहा महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे बहुत से लोग हैं, उनकी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता है। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में घायल लोगों से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस, घायलों का हालचाल लिया। सीएम फडणवीस ने हादसे में मरने वालों के लिए दुख जताया, रेलवे को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कल मुंबई के एल्फिनस्टोन रोड स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मच गई थी, 23 लोगों की मौत हो गई, हादसे में 39 लोग घायल हुए। 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई, देवेंद्र कुमार होंगे अंडमान निकोबार के नए उपराज्यपाल, जगदीश मुखी असम के राज्यपाल होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा अरुणाचल के राज्यपाल होंगे, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं, गंगा प्रसाद मेघालय के राज्यपाल होंगे, सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। पटना में गंगा प्रसाद को मेघालय के राज्यपाल नियुक्त करने पर परिवार में जश्न है, बड़ी संख्या में बधाई देने के लिए लोग पहुंचे हैं, बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव भी पहुंचे। बिहार के गवर्नर बनाए जाने पर सत्यपाल मलिक का बयान, कहा पूरी ताकत के साथ जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। अरुणाचल के गवर्नर बनाए जाने पर बीडी मिश्रा ने खुशी जाहिर की, कहा नई जिम्मेदारी मिलने से खुश हूं, कानून और संविधान की रक्षा के लिए काम करूंगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की खबर के बाद 13 राष्ट्रीय राइफल्स की तलाशी एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नहीं रहे जाने माने एक्टर टॉम ऑल्टर, 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे। टॉम ऑल्टर ने 10 साल तक खेल पत्रकारिता की, सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने वाले वो पहले पत्रकार थे, 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने टॉम ऑल्टर के निधन पर दुख जताया है, उनके फिल्म और कला के क्षेत्र में योगदान को उन्होंने याद किया है। हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार बस ने डंपर को टक्कर मारी, हादसे में 24 लोग घायल हो गए हैं, 2 की हालत बहुत गंभीर है। दौसा में 20 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंदा खाने खाने की वजह से तबीयत खराब हुई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला बीजेपी प्रवक्ता प्रेम मोहन सोमानी की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, पुरानी रंजिश के चलते हमले का शक है। राजस्थान के चौमू में NH-52 पर सड़क हादसा हुआ, जीप ने कार को टक्कर मारी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तेज रफ्तार बस पलट गई, हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है, 4 घायल हुए हैं, कार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी थी। लखनऊ में अलीगंज में सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई।
यूपी के कन्नौज में 3 दिन में सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई है। आज एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की हालत सीरियस है। बिहार के रोहतास में 24 पेटी शराब बरामद हुई है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के सिमडेगा में शराब की 12 पेटी जब्त हुई, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 भागने में कामयाब। सिरसा में बिल्डर की मनमानी, बिजली का बिल देने के बावजूद अंधेरे में रह रहे हैं लोग। बिहार के नालंदा में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, लोगों ने हंगामा किया, NH 31 पर शव रख कर लगाया जाम। रांची में कल रात बंधक बनाए गए 6 छात्रों को गांव वालों ने छोड़ा, मवेशी चुराने के आरोप में पकड़ा था इनको। यूपी के हापुड़ में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई, ससुराल वालों पर आरोप है मृतक महिला प्रेग्नेंट थी। राजस्थान के धौलपुर में 2 युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी है, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। अजमेर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, पहचान नहीं हुई है, मौत की वजह भी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। बिहार के पूर्णिया में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 4 मोटरसाइकिल बरामद, 4 बदमाश भी पकड़े गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बालिका देखभाल केंद्र में बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप है, टाइपिस्ट कुक और सफाई कर्मचारी गिरफ्त में। हरियाणा के झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, परिवार की शिकायत के बाद पत्नी 2 रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में गैंगस्टर रमनदीप गिरफ्तार हुआ है, आरोपी के पास से देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। बिहार के गोपालगंज में 23 साल की युवती की हत्या हो गई, पीड़ित लड़की से रेप की आशंका भी है। बिहार के भोजपुर में पंचायत प्रमुख के बेटे की हत्या, पुलिस ने आपसी रंजिश का शक जताया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 18 महीने की बच्ची की गला दबाकर हत्या, मां ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को भी फांसी लगाई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती धमाका, 6 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव टॉम प्राइस ने इस्तीफा दे दिया है, सरकारी काम के लिए प्राइवेट चार्टर प्लेन के इस्तेमाल का इन पर आरोप है। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है, यूक्रेन का दावा है कि वादे के बावजूद बेलारूस ने युद्ध अभ्यास रोका नहीं है। स्पेन में अलगाववादी पार्टियों ने कैटालोनिया की आजादी का समर्थन किया है, 1 अक्टूबर को जनमत संग्रह का ऐलान अवैध घोषित। सीरिया के पलमीरा शहर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, दीर अल जोर जाने वाली सड़क को आईसिस ने कब्जा रखा था, उसे छुड़ा दिया है। चिली के सैंटियागो में महिला ने 3 कारों को टक्कर मार दी, पुलिस चेकिंग से बचने की कोशिश में यह हादसा कर बैठी। चीन ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जल्द ही कमर्शियल इस्तेमाल में भी मुमकिन हो पाएगा इसे इस्तेमाल करना। रूस के कोला बे के किनारे 15 टन कचरा इकट्ठा किया, सफाई अभियान में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स रॉकेट सफर पर काम शुरू करने जा रही है, दुनिया के बड़े शहरों के बीच रॉकेट चलाने की योजना है। म्यांमार से भाग रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव डूबने से 60 लोगों की मौत हो गई है, बंगाल की खाड़ी में यह हादसा हुआ। अबू धाबी फिल्म कमीशन की CEO मरियम को सलमान खान ने एक पेंटिंग गिफ्ट की है, फिल्म शूटिंग के दौरान ये बनाई थी।